आज हम लोग इकोलॉजी की जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, पहला जिसका चैप्टर है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, उसके आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि एक आपका ऑर्गेनिज्म मींस क्या कि सेलुलर लेवल से लेकर के आपका ऑर्गेनिज्म का लेवल कैसे बनता है वहां तक के, ठीक, जिसको हमने लोअर लेवल ऑफ डिविजन कहा था, और उसका फिर ऑर्गेनिज्म से आपका ऊपर, ठीक है, बायोस्फीयर तक का, उसको हमने क्या कहा था, हाइयर लेवल। उसमें भी हमारे दो फैक्टर्स थे, एक आपका बायोटिक और एक आपका एबायोटिक। तो मैंने आपसे बताया था कि एबायोटिक मींस क्या कि जो आपका नॉन लिविंग है बट दे हैव अ डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके बिना क्या है आपका कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस क्या कि जो आपका बायोटिक जो फैक्टर है वो आपका बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं हो सकता, टोटली की टोटली उस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और या फिर इनडायरेक्टली। इसलिए आज हम लोग बात करते हैं किससे, एबायोटिक फैक्टर से। एबायोटिक फैक्टर्स पहला उसमें क्या था, मैंने लिखा था आपसे टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर एक ऐसा चीज है आपका कि वो आपके वेरियस फंक्शंस में मींस क्या कि वेरियस जो आपका थिंग्स है उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो अगर जो हम लोग क्रॉप्स होती है मींस हम लोग का जो ग्रेन्स है उनकी भी जो आपकी ग्रोथ और जो कल्टीवेशन होते हैं उनका भी देखिए कि एक अलग अलग टेम्परेचर में है। मींस व्हाट कि जो आपका राइस का हम लोग जो प्लांट लगाते हैं, जब कहते हैं चावल की खेती, वो हमेशा आपका बरसात का मौसम होता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है टेम्परेचर आपका क्या ज्यादा उसमें मतलब इतनी गर्मी नहीं होती है, कभी पानी होता है, बारिश होती है, कभी धूप निकलता है, ठीक है। या फिर आपका जो मक्की की खेती है या फिर आपका गेहूं का खेती है, ठीक है। तो ये जो आपका क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उस पर जो इसका जो टेम्परेचर है मीन्स गर्म ठंडा, हाँ, फिर उसके बाद जो आपका स्प्रिंग सीजन में मींस एक शुष्क गर्म जिसको कहते हैं कि कभी गर्म हल्का सा गर्म हल्का सा ठंडा, तो इस पे जितने भी आपके चीज है मींस का कि जो हमारे बेसिक नीड्स के हैं, सब्जियां की बात कर ले, फ्रूट्स की बात कर ले, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सो टेम्परेचर की जो एक अपना रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो बात हो गई थी जनरल वे में। अब बात मैंने इसमें पहला पॉइंट लिखा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइम इसी यूनिट में, जो सेल का यूनिट है उसका चैप्टर नंबर आपका जो दो है बायोमोलिक्यूल, उसमें आपको एंजाइम पढ़ना होता है। तो आप लोगों ने जो एंजाइम पढ़ा होगा तो उसमें एंजाइम बहुत सारे टाइप्स के हैं, है ना, उसके क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 6 क्लासिफिकेशन है उसके, 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन आते हैं एंजाइम के, ठीक। तो एंजाइम आपके बहुत सारे टाइप्स के। अब लाइक वाइज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रेन्स की, तो हर एक एंजाइम की अपनी एक अलग एक्टिविटी है, रोल है, और वो किस टेम्परेचर पे अपने आप को परफॉर्म करेंगे उनका भी एक अपना अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। बेसिकली क्या है आपका कि एंजाइम के केस में मैं उस पर आपको बताऊंगा उस जब उस चैप्टर पर हम लोग आएंगे तो बताऊंगा मैं, लेकिन फिर एक जनरलाइज में आप लोग समझिए इस बातों को कि जो आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो 40 to 45 डिग्री जो आपका है वो एंजाइम एक एंजाइम के परफॉर्म की मींस एक्टिविटी के लिए एक बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा गया है। कुछ एक ऐसे भी एंजाइम है आपका जो आपके लोअर उस पे परफॉर्म करते हैं टेम्परेचर पे, कुछ आपका उससे ज्यादा, लेकिन जो एक मैक्सिमम में ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा गया, हर किसी का जानते ना कि एक ऑप्टिमम आइडियल रखाया था ऑन एवरेज निकाल करके, तो बहुत सारे आपके ऐसे एंजाइम है जिनका अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर निकालेंगे तो वो हमारे जो उनका एक्टिविटी परफॉर्म का जो टेम्परेचर वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फाउंड फ्रॉम सब 0 to 50+ डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब आपका ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस टेम्परेचर की बात हो रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अब हर एक, अगर हम इंडिया की ही बात कर ले तो हर एक स्टेट का क्या है अपना एक अलग जो है सो टेम्परेचर होता है। जैसे कश्मीर में थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया आइए ज्यादा गर्म है, मींस उसके अकॉर्डिंग गर्म है ना। आप जब साउथ इंडिया जाइए तो थोड़ा ज्यादा वहां पर गर्मी होती है। तो क्या वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का पर्पस, यहां से मेरा कहने का मतलब ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो मींस का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या फिर आपका जो माइक्रो नहीं है मींस लाइक अस, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म हो,
ठीक, तो क्या वहां पे ग्रोथ नहीं होगी? क्या कश्मीर में कूल टेम्परेचर है तो क्या वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं है? या फिर जो आपका साउथ इंडिया में सब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या वहां पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? जहां पे डेजर्ट एरिया है जैसे राजस्थान है, वहां काफी गर्मी पड़ती है ना, तो क्या वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं है क्या? तो मत कहने का इस पॉइंट का मतलब आपका क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फाउंड फ्रॉम सब जीरो टू 50+, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका कुछ एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे भी पाए जाते हैं। एक आपका उसका मैंने इसमें आरकी बैक्टीरिया का लिखा है, आप लोग लिख लेंगे कि एक बैक्टीरिया है जियो बेसिलस थर्मोफिलस बैक्टीरिया, वो आपका 95 से 105 डिग्री सेल्सियस पे भी उसकी ग्रोथ होती है। तो कहने का मतलब क्या कि जो कितनी डायवर्सिटी है ग्रोथ की, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कितनी डायवर्सिटी है, मींस कि माइनस पे भी ग्रोथ होगा है ना, और आपका हाइयर जो टेम्परेचर है उस पे भी इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अब ये वर्क कैसे कर, जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो हाइयर टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन होता है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो आपका वर्क करता है किस पे, हाई टेम्परेचर पे या फिर जहां पे आपका टेम्परेचर लो है। ठीक, तो उनमें उस प्रोटीन, उसमें एक प्रोटीन होता है जो आपका एंटी फ्रीज की तरह काम करते हैं, जो इंजाइम आपका है, इंजाइम क्या है आपका, उसमें प्रोटीनस पार्ट भी है, नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है। ठीक है, तो एंटी फ्रीज का मतलब क्या कि उनको वो टेम्परेचर लो है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आपके लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, ठीक ना, तो या फिर हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, तो उनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो उनको हाई टेम्परेचर पे भी उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करे, या फिर जब टेम्परेचर लो हो तो वहां पे भी उनकी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है उसको वो मेंटेन करे, इसलिए इसको कहा कि क्या, हाई टेम्परेचर एंड एंटी फ्रीज। ठीक, इसमें अब एक आपका है कि यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म, यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, एक वैसा ऑर्गेनिज्म जो आपका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मीन्स क्या कि जो टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आते रहते हैं, जो टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आते हैं मीन्स कभी ठंडा कभी गर्मी, कभी मीन्स मॉडरेट मिडिल में ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, कभी उमस हो जाती है, ठीक है ना, कभी बहुत ठंडा हो जाता है किसी किसी ठंड के मौसम में, कभी कभी किसी किसी गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो अपने आपको क्या कर सकते हैं कि उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आपको मॉडिफाइड कर लेते हैं, मीन्स यानी कि कोई उनके शरीर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं नहीं, मीन्स उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने की उनकी जो अलग एक क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। उसका एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं, तो इनका क्या है कि जो टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं उनमें भी ये टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, वैसा ऑर्गेनिज्म जो आपका एक नैरो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, नैरो टेम्परेचर, जैसे कि कुछ आपके इंसेक्ट्स हैं, कुछ जैसे कि आपका रेप्टाइल्स हैं, ठीक, तो वो आपको कुछ नैरो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि गर्मी का जो रेप्टाइल्स की बात आई तो मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ स्नेक्स की। जब ज्यादा गर्मी का मौसम आता है तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जो सांप वगैरह हैं, जो स्नेक्स हैं, वो भी अपने बिल से बाहर आने लग जाते हैं। बरसात के मौसम में तो आते ही आते हैं वो, जब उनके बिल में पानी चला जाता है, उनको होल्स में पानी चला जाता है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उस समय अपने आप वो अपने जो उनके जो होल्स हैं, जो बिल जिसको बोलते हैं, वो बिल से वो बाहर आने लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक एक फिक्स टेम्परेचर को अपने आपको टॉलरेट कर सकते हैं, बट जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उनको भी वहां से निकलना पड़ गया। दिस इज कॉल्ड द स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर। आते हैं अब हम लोग एबायोटिक फैक्टर के दूसरे कंपोनेंट पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ही ये इंपॉर्टेंट है। ये वो क्या है आपका, वाटर। देखिए हम लोग सुनते रहते हैं ना कि पानी बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पीने का पानी बहुत कम हो रहे हैं, ठीक, ये सारी बातें सही है, इसका भी ख्याल हम ही रखना है। तो जो वाटर है वो जो प्लांट होते हैं, जिस मतलब क्या कि जिस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, खास करके जो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स ही प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वो तो ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन प्लांट्स के रिगार्डिंग जो आपका वाटर है वो क्या है, आपका रॉ मटेरियल होता है। किस चीज के लिए रॉ मटेरियल, काहे का उनका यूज है,
रॉ मटेरियल उनका होता है पर्पस फोटोसिंथेसिस का, जो पर्पस उनका फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या है उसका वो रॉ मटेरियल होते हैं, क्योंकि जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा और केवल लाइट मिला तो फिर कैसे उनका फोटोसिंथेसिस होगा, कैसे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, जब उनके पास पानी नहीं होगा तो फिर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे वो, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, तो फिर इवोपरेशन नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। तो प्लांट्स के लिए क्या है, वाटर एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। दूसरा क्या है कि एंजाइमेटिक एक्शन का मींस है कि हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो का मींस क्या, वाटर, तो एंजाइमेटिक एक्शन जो होना है उसके लिए भी क्या है आपका कि वाटर का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट एंड फूड। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट की केस में तो जो फूड का जो मैंने बात किया यहाँ पे आपका, तो फूड में कैसे आप देखिए, मैंने कहा था पहले रॉ मटेरियल है, तो वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू प्लांट से जाते हैं, रूट जाइलम से मिस सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ रूट में, रूट से एयर से फिर रूट में आया मींस रूट के जाइलम में, फिर वो जाइलम फिर सूट जाइलम के थ्रू वो लीफ जाइलम में गया, एक चैनल है उनका, ठीक है। तो उनके साथ केवल वाटर ही तो नहीं जाता ना, मिनरल आयंस भी जाते हैं ना, उस मिनरल आयंस के हेल्प से और वाटर के हेल्प से फिर लाइट के हेल्प से ये क्या होता है आपका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का होता है प्रोसेस, फिर प्लांट अपने लिए फूड बना पाते हैं, ठीक है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं हुआ फूड का, और वेस्ट का, ह्यूमन की बात कीजिए तो बहुत सारे वेस्ट क्या है अपने, जैसे कि हम लोग यूरिन के थ्रू अपना वेस्ट निकालते हैं कि निकालते हैं, ठीक है। और प्लांट के केस में अगर बात करते हैं वेस्ट, तो प्लांट के केस में वेस्ट के मटेरियल क्या हो जाएगा, हम लोग उसको मानते हैं क्या, ऑक्सीजन। कैसे, क्योंकि जब स्टोमाटा ओपन होता है, मैं वो बताऊंगा जब उस पहले यूनिट में हम लोग आएंगे कि स्टोमाटा का कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, तो उसमें क्या है आपका कि जैसे ही आपका प्लांट स्टोमाटा का पोर जब ओपन होता है तो गैस का ट्रांसपिरेशन तो होता ही है, वाटर का तो लॉस होता ही इवेपोरेशन के फॉर्म में, बट वो क्या करते हैं CO2 अपने अंदर लेते हैं और O2 को मीन्स ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बींग्स या फिर विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर ऑन अ अर्थ, ठीक है। तो उसको वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक। तो और हमारे भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या वाटर आती है कि नहीं आती है, मीन्स की वाटर थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं कि नहीं करते हैं, मीन यूरिनेशन हो गया या फिर स्टूल का भी पास होता है, ठीक। तो उसमें भी वाटर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर का उनको भी ये हेल्प करता है आउट करने का, ठीक है। और सॉइल वाटर जो होता है उसको हम लोग अब प्लांट के विषय में डिस्कस करते हैं, तो सॉइल वाटर को हम लोग टर्म देते हैं होलार्ड। कभी कभी क्वेश्चन नीट में पूछता है, आप यहाँ पे इसको माइंड कर लेंगे कि सॉइल वाटर इज टर्म्ड एज, फिर डैश रहेगा मीन्स या फिर टर्म्ड एज, और चार ऑप्शन रहेंगे, तो आपको जहां पे होलार्ड होगा उस ऑप्शन को चूज करना है। होलार्ड जो होता है वो आपके दो चीज से बना होता है, एक आपका क्रिसेड और आपका इकार्ड, ठीक है, दो चीज से, क्रिसेड और आपका इकार्ड। क्रिसेड का मतलब क्या, अवेलेबल टू प्लांट्स, मींस वो वाटर जो प्लांट्स को अवेलेबल होता है। अब आपको दिमाग में आएगा कि प्लांट्स अवेलेबल होता है और मतलब क्या हुआ इसका, और मैं उसको भी आपको स्पष्ट करूंगा। और इकार्ड मींस है कि नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना प्लांट्स वाला बताऊंगा मैं, तो उसमें आपको बेटर इसका एग्जांपल जो मैं कैपिलरी वाटर बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। जब क्या है आपका कि जो प्लांट्स जो वाटर लेते हैं ना, ठीक, तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाता है, मींस उसका एक छोटा छोटा करके वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो जाता है। मैं उस वक्त आपको डायग्राम बताऊंगा, इस चैप्टर के बाद ही हम लोग उस चैप्टर को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आपका क्या है कि वाटर के जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाता है, तो वही एक्चुअल में वाटर क्या है कि आपका जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है, ठीक है, रूट से मीन सॉइल से लेकर के रूट जाइलम, सूट जाइलम और लीफ जाइलम तक, वही लीफ जाइलम के थ्रू होते हुए लीव्स तक आपका वही पहुंचता है। और इकार्ड जो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स मीन्स क्या, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, या फिर हाइड्रोस्कोपिक वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर मीन्स क्या, ऐसा वाटर जो आपके मतलब सॉइल का जो इंटर जो नीचे का जो सरफेस है वो आपकी बहुत नीचे है, इतना नीचे कि रूट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बट वहां पे तो वाटर है, हम उसको सॉइल वाटर में काउंट करेंगे ना, ऐसा मींस ग्रेविटेशन वाटर का मींस क्या कि वहां से आपका रूट
पुल नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है अपने लिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये कि जो आपके वाटर के सरफेस पे है, मींस क्या कि जो आपने इमिग्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है, मींस व्हाट कि वो आपको एब्जॉर्ब का मतलब है कि पूरा इंटायर तक जाता है, एब्जॉर्ब का मतलब है कि उसके सरफेस पे होता है। तो वैसा वाटर जिसको आपका रूट उसको भी क्या है कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वाटर का जो आपका सॉइल का जो पार्टिकल्स है उसमें उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, केवल उसको सरफेस पे हुए रह जाते हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म में लाइक से, ठीक है। तीसरा मैंने यहां पे लिखा छोटा सा, रन ऑफ वाटर, जो वाटर बहता रहता है वो भी पानी के आपके काम में नहीं आता, पेड़ के काम में नहीं आता है, जो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल जो आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है जिस वाटर का, ठीक है, उसमें भी क्या है आपका, वो वाटर भी आपके प्लांट्स के काम में नहीं आते हैं। तो जो होलार्ड होता है मींस का कि जो सोल वाटर, वह दो तरह का है, एक वैसा जो एब्जॉर्ब रहता है, एक वैसा जो एडजॉर्ब रहता है, और वो क्या है कि जो एडजॉर्ब नहीं भी है तो इतना नीचे है वो जिसको रूट सक नहीं कर पाता, मींस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अपने अंदर में, ठीक है। एक वैसा वाटर जो कंटिन्यूअसली फ्लो पर रहता है, चल बहते रहता है तो उसको भी नहीं कर सकता, या फिर एक वैसा जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो ये अभी दो हम लोगों ने एबायोटिक का पढ़ा है, दो हमारे पास अभी एबायोटिक और है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।